इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट दिस इज द सेल्सियस थर्मामीटर एंड दैट इज द फॉल्टी, फॉल्टी मतलब कोई गलत थर्मामीटर है, एंड इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 5 डिग्री है और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है 95 है, जबकि सेल्सियस जो है वो 0 है और हाईएस्ट पॉइंट कितना है 100। अब अगर यह फॉल्टी अगर कोई एक टेम्परेचर शो करता है और मान लेते हैं जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कोई 59 डिग्री है, तो बताइए वही टेम्परेचर सेल्सियस में कितना शो होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, सेंटीग्रेड ये रहा हमारे पास में सेल्सियस, और इसका जो डिफरेंस है वो 100 का, और यहाँ पे हमें जो दे रखा है फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला आपको याद होगा और केल्विन का हम जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 59 और ये हो गया 5 लोएस्ट, और इसका जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 90। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास चला जाएगा 6 टाइम, और 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो 60 आंसर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री सेल्सियस। सो ये फॉल्टी का फाइनल आंसर हमें मिलेगा 60 सेल्सियस के अंदर।